वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु के पश्चात कुछ लोग स्वर्ग लोक में जाते हैं, वहीं कुछ नर्क में जाते हैं, तो कुछ लोग प्रेत बनकर पृथ्वी लोक पर ही निवास करते हैं। जिन मनुष्य की अकाल मृत्यु अपघात से अथवा आत्मघात से हो जाती है, ऐसे लोगों का श्राद्ध किए जाने पर भी उद्धार नहीं होता और वो प्रेत बनकर अपने ही परिजनों को दुख देते हैं। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं, उनके पितरों की आत्माएं भी प्रेत योनि धारण करके उनके घर में निवास करती है और यही प्रेत घर में विविध प्रकार के संकट पैदा करते हैं और परिवार जनों को कई प्रकार के कष्ट देते हैं। इसी के साथ ही जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और पितरों के लिए दान करते हैं, उनके पितर अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितरों के संबंध में कई महत्वपूर्ण संकेत बताए हैं, जिनसे मनुष्य को पता चलता है कि उसके पितर उससे संतुष्ट हैं अथवा दुखी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब भी पितर घर में प्रवेश करते हैं अथवा मनुष्य के सामने आते हैं तो उसे अलग अलग प्रकार के संकेत देते हैं। ये संकेत मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कभी पितर अपने परिवार जनों की रक्षा हेतु पृथ्वी पर आकर उन्हें संकेत देते हैं, उन्हें भविष्य में आने वाले संकटों के बारे में सूचित करते हैं। वहीं कुछ संकेत ऐसे भी हैं जो शुभ फलदायक माने गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु के बाद मनुष्य की जीवात्मा को वायु रूप का शरीर प्राप्त होता है जो कभी नष्ट नहीं होता और इसी वायु रूप में पितर अपने परिवार से मिलने के लिए आते हैं, किंतु वो मनुष्य को कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके होने का एहसास मनुष्य को अनेक प्रकार के संकेतों से हो जाता है। आइए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सपने में मरे हुए परिजनों को देखने पर कौन से संकेत मिलते हैं। सबसे पहली बात, यदि पितरों का उद्धार नहीं हुआ है, वो प्रेत योनि में ही मृत्यु लोक पर भटक रहे हैं, तो वो भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवार जनों के घर में प्रवेश करते हैं। यदि सपने में घोड़ा, हाथी, बैल अथवा मनुष्य का विकृत रूप दिखाई पड़े तो समझ जाना चाहिए कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है और वो आपसे अत्यंत दुखी हैं। दूसरी बात, श्री कृष्ण कहते हैं यदि कोई व्यक्ति सपने में खुद को जंजीरों से बंधा हुआ देखता है अथवा सपने में मरा हुआ पूर्वज गंदे मैले वस्त्र पहना हुआ दिखाई पड़े तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति से उसके पुत्र अत्यंत दुखी हैं और उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। ऐसा होने पर अपने पितरों की संतुष्टि के लिए दान और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि सपने में कोई जानवर मनुष्य की भाषा बोलते हुए दिखाई पड़े अथवा उसे सपने में उसका पूर्वज बैल की सवारी करता हुआ दिखाई पड़े तो समझ लेना चाहिए कि उसके पितर उससे बहुत ही नाराज हैं। चौथी बात, पूर्वजों को कुछ मांगते हुए देखना, यदि सपने में आपके मरे हुए पूर्वज आपसे कुछ मांग रहे हैं तो ऐसे सपने को कभी दूर लक्ष्य नहीं करना चाहिए। इस सपने का अर्थ ये है कि आपके मृत परिजन की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और वो इसी पृथ्वी लोक पर प्रेत योनि में भटक रहे हैं। आपके पितरों की कोई अधूरी इच्छा रह गई है और जिस कारण से वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए और अपने परिजन की उस अधूरी इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। पांचवी बात, यदि सपने में आपके मृत परिजन आपके सर पर हाथ फेरते हुए दिखाई देते हैं, इस सपने का अर्थ ये है कि वो आपसे बहुत अधिक प्रसन्न है। इस सपने को बहुत ही शुभ स्वप्न समझना चाहिए। आपके पूर्वज आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है और वो सदैव ही आपके साथ खड़े हैं। छठी बात, पूर्वजों का आपकी तरफ हाथ बढ़ाना। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर सपने में आपके पूर्वज आपकी ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं तो ये एक शुभ स्वप्न है। आपके पूर्वज आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आप जो भी काम कर रही हैं उसमें वो संतुष्ट हैं।
और आपको उस कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। सातवीं बात, पूर्वजों का अचानक से अदृश्य हो जाना। अगर सपने में आपको आपके पूर्वज दिखाई देते हैं और वो अचानक ही अदृश्य हो जाते हैं तो ये स्वप्न अशुभ माना जाता है। आपके पूर्वज आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है और आपको सावधान हो जाना चाहिए। आठवीं बात, सपने में पूर्वजों को क्रोध करते हुए देखना। अगर सपने में आपको आपके पूर्वज क्रोधी अवस्था में दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको नुकसान हो सकता है और वो आपको उस कार्य को ना करने की सलाह दे रहे हैं। नौवीं बात, सपने में पूर्वजों को रोते हुए देखना। अगर सपने में आप अपने पूर्वजों को रोते हुए देखते हैं तो ये भी अशुभ संकेत है। आपके जीवन पर कोई बड़ी विपदा आने वाली है और आपके पूर्वज उस विपदा को देखकर दुखी हो रहे हैं और आपको पहले ही उस संकट के बारे में सूचित कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में सपने में पूर्वज दिखाई देने के महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताया गया है। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे सपनों के बारे में जिन्हें देखना बेहद ही शुभ माना गया है। माना जाता है कि ऐसे सपने जिस भी व्यक्ति को दिखाई देते हैं वो बेहद ही लकी होता है। नंबर एक, सपने में कमल का फूल दिखाई देना। कमल का फूल धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रिय फूल है। यदि सपने में कमल का फूल दिखे तो मान ले कि आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो गई है और आपको खूब सारा पैसा मिलने वाला है। नंबर दो, सपने में फलों से लदा हुआ पेड़ देखना। ऐसा सपना देखना बताता है कि आप जल्द ही अमीर होने वाले हैं। यदि किसी व्यापारी को ऐसा सपना आए तो ये उसे कोई बड़ा ऑर्डर मिलने का संकेत है। नंबर तीन, सपने में मधुमक्खी का छत्ता देखना। सपने में मधुमक्खी का छत्ता देखना भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा सपना जिंदगी में ढेर सारी खुशियां मिलने का संकेत है। नंबर चार, सपने में खुद को दूध पीते हुए देखना। सपने में खुद को दूध पीते हुए देखना या फल खाते हुए देखने का मतलब है कि आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। ये धन लाभ होने का बड़ा संकेत है। अगर आप खुद को सपने में कोई भी हरी चीज खाते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि माँ लक्ष्मी जल्द ही आप पर कृपा बरसाने वाली है। अब आपके बुरे दिन बस खत्म होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।